वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चावल के आटे में मोदक। तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने लिया है पैन, इसमें लिया है 2 चम्मच घी और मैंने लिया है ग्रेटेड कोकोनट। इसे भून लेंगे हम घी में। इसके साथ मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून कार्डमम पाउडर। इससे खुशबू आ जाती है हमारी मोदक में। इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम गुड़ भी डाल देंगे। थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे इसे। देखिए अब ये घी में मिक्स हो चुका है। अभी हम डाल देंगे हमारा गुड़। ये देखिए मैं डाल दे रही हूँ। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे एक बार गुड़ डाल के। ये देखिए अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम ये नारियल के साथ में। ये देखिए मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाता है। इसे हम निकाल के साइड में रख देंगे। देखिए वही पैन में ले रही हूँ 1/2 ग्लास पानी और ये लिया है मैंने फूड कलर। ये जाफरन कलर है, यानी कि केसर कलर का फूड कलर आता है, वो लिया है मैंने। इससे हमारा मोदक येलो बनेगा। इसे मैं डाल दूँगी अभी 1 चम्मच घी और नमक डाल दूँगी इसमें और इसे एक बॉयल आने के लिए दे दूँगी। ये देखिए नमक डाल दिया इसमें। अब इसे मैं एक बॉयल आने के लिए छोड़ दूँगी। अभी देखिए ये बॉईल आ गया है। अब इसमें हम हमारा जो चावल का आटा है गैस बंद करके हम डाल देंगे चावल के आटों को। देखिए हमारा पानी को बॉईल आ चुका है। अब मैं डाल दूंगी चावल का आटा। ये मैंने लिया 1/2 किलो। ये देखिए और मैंने पानी लिया 1 ग्लास, यानी कि 1/2 ग्लास मैंने सादा पानी डाला है इसमें और 1/2 ग्लास में मैंने ये जाफरान फूड कलर मिक्स किया है ताकि हमारे मोदक को एक अच्छी कलर आ जाए, येल्लो कलर। अभी देखिए गर्म है बहुत। मैं इसे 5 मिनट ढक के रख दूँगी। इसे अच्छा कलर भी आ चुका है। देखिए 5 मिनट हो गया, मैं निकाल रही दूसरी भगोने में। अभी मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी। ये देखिए अभी हमारा आटा गूंद के तैयार है। हमारा आटा इस तरह से बन जाती है मोदक का। अभी हमें जो भी साइज़ का चाहिए वही हिसाब लेके इसे एक पेड़े बना के लेना है। ये देखिए मैंने लिया है मोदक मेकर। अभी हम इसे हल्का हल्का घी लगा के लेंगे तीनों इसमें। इस तरह से घी लगा के ले लेंगे। ये देखिए अच्छे से लगा लेना है, एक ही बार काफ़ी हो जाता है। अभी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो थंब फिंगर है और पॉइंट फिंगर है, इससे हमें टाइट पकड़ लेना है। पकड़ के फिर हमारा बैटर लेके हमें इसे कोट करना है प्रेस करते हुए, ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छा आ जाए। अच्छा आता ही है, थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। तो प्रेस करने से क्या है, हमारा डिज़ाइन परफेक्ट आ जाएगा इसका। अभी देखिए चारों ओर हम इसे कोट करना है इस तरह से। ये देखिए चारों ओर से। अभी देखिए मैंने ये इसका बना लिया था स्टफिंग का, इतने इतने पेड़े बना लिया था मैंने। इसे हम सेंटर में डाल के थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ऊपर से हम आटा लगा के और इसे कोट करेंगे प्रेस करते हुए। ये देखिए आटा लगा रही हूँ मैं ऊपर से। इस तरह से हमें बीच में रखना है हमारा स्टफिंग। इस तरह से प्रेस करते हुए उसे ये कर लेना हमें। देखिए थोड़ा सा टैप करके उसे प्रेस कर लेना। देखिए इस तरह से बन गया है। तो अभी डिज़ाइन थोड़ा सा ये हो तो वापस से डाल के आप उसे थोड़ा सा आटा डाल के प्रेस कर सकते हो। उससे क्या है, ये देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्रैक जैसा दिख रहा है, इसे वापस से हम डाल के उसे थोड़ा सा आटा डाल के प्रेस करके हमारा परफेक्ट बन जाता है ये। कि इस तरह से हमें सारा बना के लेना है। देखिए मैंने बना लिया है सारा। अभी इसे हमें स्टीम करना है। ये देखिए मैंने स्टीम के लिए रख दिया बर्तन। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया था। अभी देखिए हमें इसे सेपरेट रख देंगे, इसे थोड़ा सा गैप छोड़ के इस तरह से रख देंगे। 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे स्टीम देंगे, फिर मैं आपको दिखा। अभी इसे ढक के छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा 12 मिनट हो चुका है, हमारा मोदक भी तैयार हो चुका है। इसे हमें बाहर निकाल देंगे अब। देखिए इस तरह से हमारा मोदक बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह से बना है हमारा मोदक। अभी हम इसे सर्व कर लेंगे प्लेट में। अगर आपको मेरी मोदक की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलती मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।